हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटोमी फिजियोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ इट सबसे पहले बात करेंगे एनाटोमी की सो व्हाट इज एनाटोमी एनाटोमी वर्ड दो वर्ड से बना है एना मीन्स अप टोमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग सो एनाटोमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमोंग दैम कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करने को कहेंगे एनाटोमी जैसे कि कोई एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना फॉर एग्जाम्पल स्टमक तो स्टमक एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है अभी हम जानेंगे कि स्टमक किस तरह के सेल से बना है किस तरह के टिश्यू से बना है कौन से मसल उसमें प्रेजेंट है उनका सेप क्या है साइज क्या है तो वो स्टडी को कहेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टमक वैसे ही वॉट इज़ फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी भी दो वर्ड से बना है फिजियो मीन्स नेचर एंडलॉजी means स्टडी ऑफ सो फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन हमारी बॉडी कैसे काम करती है बॉडी के कोई एक स्पेसिफिक organ कैसे काम करता है उसके फंक्शंस क्या है वो स्टडी को कहेंगे फिजियोलॉजी फॉर example स्टमक की बात करें तो स्टमक के फंक्शंस क्या है स्टमक में कैसे डाइजेशन होगा कैसे गैस्ट्रिक ज्यूस का सिक्रेशन होगा वो सब स्टडी को कहेंगे फिजियोलॉजी तो एनाटोमी हो गया स्ट्रक्चर की स्टडी और फिजियोलॉजी हो गया किसी भी स्ट्रक्चर के फंक्शन की स्टडी कोई एक ऑर्गन के फंक्शंस की स्टडी को कहेंगे फिजियोलॉजी अब हम बात करते हैं सब स्पेशलिटी ऑफ एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी मीन्स एनाटोमी और फिजियोलॉजी के ब्रांचेस कितने हैं उसमें कौन कौन से डिसिप्लिन इंक्लूड है तो पहले बात करते हैं सब स्पेशलिटी ऑफ एनाटोमी उसमें पहला है एम्ब्रियोलॉजी सो इट इज़ द स्टडी ऑफ फर्स्ट एट वीक ऑफ़ डेवलपमेंट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग जब ह्यूमन एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद आठ हफ्ते तक जो डेवलपमेंट होती है उसके स्टडी को कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी तो स्टडी ऑफ फर्स्ट एट वीक ऑफ डेवलपमेंट फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन दूसरा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी इट इज़ स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग टू डेथ तो जब हम ह्यूमन एग का फर्टिलाइजेशन से लेके उसकी डेथ तक कोई एक इंडिविजुअल के फर्टिलाइजेशन से लेके उसकी डेथ तक के जो डेवलपमेंट होते रहते हैं उसके स्टडी को कहेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में क्या आया फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल के एट वीक ऑफ डेवलपमेंट जबकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द डेथ थर्ड है सेल बायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कोई एक सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी को कहेंगे सेल बायोलॉजी नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी में जो वर्ड है हिस्ट उसका मतलब है टिश्यू तो किसी भी टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की स्टडी करना उसे कहेंगे हिस्टोलॉजी next is surface anatomy so it is the study of surface marking of the body to understand internal anatomy through the visualization and palpitation through the gentle touch next is gross anatomy it is the study of structure that can be examined without using a microscope कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना माइक्रोस्कोप के बिना तो वो स्टडी को कहेंगे ग्रोस एनाटोमी नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक एनाटोमी इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी सच इज नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी के किसी भी एक सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी करना उसे कहेंगे सिस्टेमेटिक एनाटोमी मान लो नर्वस सिस्टम की स्टडी करना या तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम तो कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी करना उसे कहेंगे सिस्टमेटिक एनाटोमी नेक्स्ट है रीजनल एनाटोमी इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजियन ऑफ बॉडी सच इज हैड और चेस्ट बॉडी के कोई एक स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करना हेड रीजन की स्टडी करना या चेस्ट रीजन की स्टडी करना या अपर लिम्ब की स्टडी और लोअर लिम्ब की स्टडी तो जब हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन के स्टडी करेंगे उसे कहेंगे रीजनल एनाटोमी अब हम बात करते हैं सब स्पेशलिटी ऑफ फिजियोलॉजी तो फिजियोलॉजी में कौन कौन से डिफरेंट डिसिप्लिन है कौन से डिफरेंट ब्रांच हैं उसमें सबसे पहले आता है न्यूरोफिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल तो फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कोई एक स्ट्रक्चर के फंक्शंस की तो न्यूरोफिजियोलॉजी मीन्स क्या हुआ नव सेल के फंक्शनल प्रॉपर्टी की स्टडी करना उसे कहेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी उसी तरह से है एंडोक्राइनोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शंस तो हॉर्मोन्स क्या है हॉर्मोन्स एक तरह के केमिकल रेगुलेटर हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में से क्रिएट होते हैं और ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये हॉर्मोन्स की स्टडी और हॉर्मोन्स बॉडी के फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करता है कैसे रेगुलेट करता है वो स्टडी को कहेंगे एंडोक्राइनोलॉजी नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल तो जब हम हार्ट और ब्लड वेसल के फंक्शंस की स्टडी करेंगे उसे कहेंगे कार्डियो वास्कुलर फिजियोलॉजी नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंस इट्स अगेंस्ट डिजीज कोजिंग एजेंट हमारी बॉडी किस तरह से अपने आप को डिफेंस करती है प्रोटेक्ट करती है किससे डिजीज कोजिंग एजेंट जो कि हो सकते हैं बैक्टीरिया वायरस फंगस प्रोटोसोआ तो उस तरह के एजेंट के सामने बॉडी खुद को कैसे डिफेंस करेगी वो स्टडी को कहेंगे इम्यूनोलॉजी नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ एयर वे एंड लंग एयर वे में क्या आएगा नोस्ट्रेल्स नाजल कैविटी ट्रेकिया ब्रोनकाई और फिर लंग तो ये सारे ऑर्गन्स के फंक्शन की स्टडी को कहेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी नेक्स्ट है रिनल फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी किडनी के फंक्शंस की स्टडी को कहेंगे रिनल फिजियोलॉजी नेक्स्ट है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे किसी भी तरह के मस्क्यूलर एक्टिविटी हो गए उसके हिसाब से बॉडी के सेल और ऑर्गन में क्या चेंजेस आते हैं क्या फंक्शनल चेंजेस आते हैं उसे कहेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी सो इट इज द फंक्शनल चेंजेस असोसिएट विथ डिसीज एंड एजिंग जब भी कोई डिजीज होता है डिसऑर्डर्स होता है तब क्या फंक्शनल चेंजेस आते हैं और जब एजिंग होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से बॉडी में क्या फंक्शनल चेंजेस होते हैं वो स्टडी को कहेंगे पैथोफिजियोलॉजी तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज एनाटोमी व्हाट इज़ फिजियोलॉजी एनाटोमी मींस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फंक्शन फिर हमने डिस्कस किया सब स्पेशलिटी ऑफ एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी थैंक यू गाइस। अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू